हेलो, मैं डॉक्टर इमरान, कंसल्टेंट मेडिकल ऑनकोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स, ओखला। आज हम बात करेंगे अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो ब्रेस्ट कैंसर में, इन कैंसर इन जनरल, अर्ली डिटेक्शन से क्योर रेट बहुत बढ़ जाता है। और इन पर्टिकुलर ब्रेस्ट कैंसर में ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि जितना भी अर्ली डिटेक्शन में कैंसर हमें डिटेक्ट हो जाए, उतना क्योर रेट हाई हो सकता है। और ये क्योर रेट, इट कैन गो एज हाई एज 95%, जो कि ऑनकोलॉजी में एक बहुत बड़ा नंबर माना जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, जिसमें अर्ली सिम्टम्स, जैसे कि कौन से साइंस आ सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने, जैसे स्वेलिंग हो गई ब्रेस्ट में आ गई, या कुछ रेडनेस आ गई, या हमारी काफ में कुछ स्वेलिंग नज़र आ रही है, या निपल का रिट्रैक्शन हो गया, या ब्रेस्ट का साइज़ का चेंज हो गया, ये सारी चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर के वार्निंग साइंस हो सकती हैं। तो ये जब भी एक पेशेंट को, एक फीमेल को, और समटाइम मेल को भी हो सकता है, इवन पर्सन केसेस, ऐसा दिख जाए तो अपने प्रॉपर डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, प्रॉपर एग्जामिनेशन कराना चाहिए, और उसके अनुसार अगर हमें डिटेक्शन लग जाता है कि पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसके हिसाब से एक सीक्वेंस ऑफ टेस्ट है जिससे हमें डिटेक्शन हो जाएगा कि ब्रेस्ट कैंसर का चांस है या नहीं। तो स्क्रीनिंग में एक बेसिक टेस्ट होता है, इसको मैमोग्राम कहते हैं। मैमोग्राम एक एक्सरे है जिसे ब्रेस्ट का कंटूर और ब्रेस्ट के अंदर का कोई लीजन है वो पता चल जाता है। एक प्रॉपर बायराइड स्केल है जिसे हमें रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होने का पता चल जाता है इससे। और अगर बायराइड स्कोर हाई आता है, मान लो 4 से अबो आता है, तो उस पेशेंट को हम ब्रेस्ट बायोप्सी करके ये कंफर्म कर लेते हैं। तो ब्रेस्ट बायोप्सी इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो आजकल यंग जनरेशन में भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ गए हैं। तो अभी कोई भी पेशेंट जिसका एज ग्रुप यंगर एज ग्रुप में, जैसे 30 इयर्स में है, 35 इयर्स में है, और पेशेंट को ऐसे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो ही शुड कम एंड मीट विद अ डॉक्टर, और डॉक्टर को प्रॉपर एग्जामिनेशन करके अगर कोई पेशेंट को हमें डाउट बन रहा है, तो वी शुड प्रॉपरली एवेलुएट दैट पेशेंट। और मेन आइडिया है कि पेशेंट को डिटेक्शन अर्ली हो जाए, जितना भी अर्ली डिटेक्शन में हो जाएगा, पेशेंट का क्योर रेट उतना बढ़ सकता है।